नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। अगर भारत में आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे कि रिजर्वेशन किनको मिलना चाहिए, तो ऑलमोस्ट सभी का यही जवाब रहेगा कि उन सभी को मिलना चाहिए जो किसी भी कारण से मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत में रिजर्वेशन उनको तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिलता है जो डिजर्व करते हैं, लेकिन उनके हिस्से का जो रिजर्वेशन है या जो बेनिफिट्स है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाता है। और ये चीज हमें खास करके देखा जाता है जब किसी भी तरीके से सपोर्ट दिया जाता है, चाहे स्टेट के द्वारा चाहे सेंटर के द्वारा। और ये मान पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इन सब पूरे प्रोसेस में जो करप्शन होता है या जो लूप होल्स होते हैं उसके बारे में सरकार को ना पता। इन्हीं में से आगे बढ़ते हुए 24 सितंबर को यानी कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा NRI कोटे को जो बढ़ाया गया है उसको लेके काफी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो वर्ड है फ्रॉड। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज करना पड़ा जहां पे वो पंजाब सरकार के द्वारा NRI कोटे को जो एक्सपेंड किया गया उसको वो कंप्लीट तरीके से फ्रॉड कहते हैं। तो इसको समझने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, तो जिस तरीके से रिजर्वेशन को डायरेक्टली अपने वोट बैंक से कनेक्ट कर दिया गया है, ये फिनोमिना अपने आप में काफी एक गलत फिनोमिना है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको बढ़ चढ़कर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बना दिए हैं। उसके बाद पंजाब भारत के उन कुछ चुनिंदा स्टेट्स में से है जहां पे लोग एज कंपेयर टू इंडिया विदेश जाके कमाना पसंद करते। तो पंजाब में नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस का जो नंबर्स है वो काफी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दिमाग में सवाल आ सकता है कि आखिर में ये NRI होता क्या है। तो वैसे फैमिलीज या इंडिविजुअल एक साल में अगर 182 डेज से कम भारत में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं NRI। और ये जो कोटा का दायरा बढ़ाया गया था ये NRI के फैमिलीज के लिए बढ़ाया गया था। ये न्यूज भले पंजाब का है, लेकिन एक चीज जो आपको समझना है वो ये है कि इस चीज को आप किसी स्टेट से कनेक्ट करके मत देखे, बल्कि आप अगर खुद के राज्य में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे चीज गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के किए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को सेफ या उनको बचा के रखने के लिए किए जाते हैं। अगर हम बात करें NRI कोटे के बारे में, तो इसी साल के 20 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब NRI कोटा का जो दायरा था उसको बढ़ाते हैं। उसको कुछ इस तरीके से बढ़ाते हैं कि वैसे भारतीय जो भारत में 182 डेज से कम रहते हैं एक साल में, उनके फैमिली को भी कोटा मिलेगा, यानी कि उनके जो अंकल हो गए, आंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। सो इसका दायरा अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा है कि जब आप इसको पढ़ेंगे या जब आप इसको समझने का कोशिश करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दिमाग में चल रहा था। सो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश में प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला, तो वहां पे भी जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो कुछ कोटा को लेके ही हुआ था, जहां पे जब 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश को लिबरेशन मिलता है तो उन सब फैमिलीज को कोटा मिलता है जो बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए लड़े थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि वो जो कोटा था या जो बेनिफिट्स था वो पीढ़ी दर पीढ़ी को ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो ठीक है, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनका ब्रेवरी के लिए उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, लेकिन ये कहीं से जायज नहीं है कि वो जो बेनिफिट्स है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जाए। तो इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी होता है वहां पे आप एक मेरिटोक्रेसी को कम करते हैं और जो कोटा सिस्टम होता है या जो एक गलत तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है आप उसको प्रमोट करते हैं। ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला है NRI कोटा में भी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत ही सख्त लहजे में कहना पड़ा कि ये एक कंप्लीट तरीके से फ्रॉड है। क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुनाया गया था तो इसके पहले जो मामला था वो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में भी था। तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये जो रिक्वेस्ट था या इनफैक्ट ये जो डायरेक्टिव था इसको कंप्लीट तरीके से वो नल एंड वॉइड कर देते हैं। उनका भी कुछ मोर और लेस यही कहना था या मानना था कि यहाँ पे कोई सेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा, जहां पे किसी NRI के आप अंकल आंटी या कजन या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट देते हैं तो इससे जो एजुकेशन सिस्टम है या फॉरगेट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, इससे जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं टूटेगा और डेवलपमेंट की बात तो बहुत दूर की है। आप डेफिनेटली अपने जो स्टेट है उसको आप एक बैकवर्ड डायरेक्शन देंगे। पर्सनली मैं किसी भी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस रिजर्वेशन को बांटने का या उस रिजर्वेशन को देने का कुछ तो एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। ये हमारे सामने द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है January 3, 2024 का, जहां पे कहा जा रहा कि जो पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे आधा से भी अधिक लोग जो उनका मदर टंग है वो नहीं बोल पाते हैं या ढंग से पढ़ पाते हैं। उसके बाद जो लगभग 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो क्या
इन सब जो कमियां है इसको फुलफिल करने के लिए सिर्फ आप रिजर्वेशन ले आएंगे तो उससे ये कमियां फुलफिल हो जाएंगी? अगर आप ये सवाल रूलिंग गवर्नमेंट से पूछेंगे तो वो अपने प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर सारा ठेकरा फोड़ देंगे, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का जो ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हमें देखने को मिलता है। इसी आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑलमोस्ट 31% जो हमारे स्टूडेंट्स है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, उनको सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है, उनको अच्छे से डिविजन करना नहीं आता है। तो ये सब जो कमियां है इसको पूरा करने के लिए अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन लाएंगे और सिर्फ आपके अगर मनसा यही रहेगा कि आप सरकार रिपीट करते रहें, तो इससे भले आपकी सरकार बार बार आते रहेंगी, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क चाइना या ताइवान के बारे में अगर हम बात करें तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है खास करके जो एजुकेशन में, वो काफी कॉम्पिटेटिव है, और साथ में वो ट्रेंड को पकड़ के उसके हिसाब से वो पढ़ाई लिखाई को करते हैं और करवाते हैं। और यही सबसे बड़ा वजह है कि क्यों चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया ये सारे जो देश हैं ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में ऑलमोस्ट दुनिया के ऊपर रूल करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।